दोस्तों आज शहीद आजम भगत सिंह की पुण्यतिथि है। भगत सिंह मात्र 23 साल में फांसी पर लटका दिए गए थे। लाहौर जेल में जब उनको फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया तो उन्होंने यही कहा, वंदे मातरम। भगत सिंह पर फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारा काम हुआ है, अलग अलग, अजय देवगन ने भी, बॉबी देओल, सनी देओल, ये सब लोगों ने शहीद आजम भगत सिंह पर फिल्में बनाई। इसके अलावा भगत सिंह का किरदार तकरीबन बहुत सारी फिल्मों में आपको नजर आया, लेकिन आज भी जो दिल के करीब फिल्म है वो है मनोज कुमार की शहीद। और ये फिल्म देखने के बाद जब मनोज कुमार भगत सिंह की मां से मिलने गए थे तो उन्होंने उसको भगत ही समझा था और गले लगा लिया था। आज कुछ ऐसी घटनाएं फिल्म मेकिंग के दौरान की, शहीद के दौरान की मुझे याद आती है, जब जो बिल्कुल फिल्म इंडस्ट्री के जो माने हुए ग्रामर है उसको तोड़ती हुई चीजें हैं, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। कि एक बार मनोज कुमार साहब से ऐसी मेरी बात हो रही थी शहीद को लेकर, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात बताई। बोले सर, जब जेल में शूट कर रहे थे जहां पर ये फांसी की सजा दी गई, वहीं पर पूरा शूट हुआ जालंधर जेल में, तो एक सीन है जहां पर भगत सिंह, सुखदेव और ये जेल वहां पर फांसी के लिए जा रहे हैं और गाना चल रहा है, मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। अब ये शॉट चल रहा है और मनोज कुमार ने एस राम शर्मा से कहा, कि जो डायरेक्टर थे फिल्म के, यार ये शॉट कुछ कुछ ऐसा होना चाहिए। हालांकि फिल्म मनोज कुमार ने ही डायरेक्ट की थी, नाम राम शर्मा जी का था, तो उनको सिर्फ पांव के वो चाहिए थे कि उनके तीनों के पांव चले जा रहे फांसी के फंदे पर। और कैमरा जो होता है फिल्म का कैमरा, उसका बेस जो होता है ट्राइपॉड जिसको कहते हैं, वो बहुत हैवी होता है, उसको कितना ही नीचे कर दिया जाए तो वो वहां तक नहीं पहुंच रहा था, इसकी पांव तक वो जेल का जो सलाखे हैं उसके नीचे से वो शूट कर पाए। और मनोज कुमार अड़े हुए थे कि नहीं, शॉट तो यही चाहिए। अब ये डिस्कस करते करते रात हो गई, मनोज कुमार जी को पान का बड़ा शौक है तो वो पान खाने गए और आते आते उन्होंने देखा कि एक घोड़ी था, उसको जो गाड़ियों पर चलते हैं, तो उनको देखा और उसने कहा, तुमको तुम्हारी गाड़ी किराए पर मिलेगी मुझे, तो वो गाड़ी उन्होंने किराए पे ली और कैमरा विदाउट ट्राइपॉड उस पर रखा और उसके साथ वो मूवमेंट के साथ साथ वो पूरा गाने का वो पोर्शन शूट हुआ। अगर आप फिल्म देखेंगे शहीद तो आपको समझ में आएगा कि वो तीनों के पांव सिर्फ चलते हुए जा रहे। तो ये शॉट वो एक लेप्रोस्कोपी का जो पेशेंट था उसकी गाड़ी पर बैठकर लिए गए हैं। एक दिन ऐसे ही शूट चलते चलते लंच टाइम हो रहा था, लंच में सारे लोग बैठे थे और प्रेम धवन सामने बैठे थे जिन्होंने फिल्म का म्यूजिक भी दिया, और वो ऐसे कुछ ऐसे गुनगुना रहे थे जो मैंने गाना गुनाया, मेरा रंग दे बसंती चो। और मनोज कुमार ने कहा, एक मिनट, क्या गा रहे हो, क्या गा रहे हो तुम? तो उसने कहा, कुछ नहीं, भगत सिंह ने लिखा था तो वो गा रहा हूं। तो बोले, ये गाना अभी के अभी रिकॉर्ड करो। और HMV का मल्हार टेप रिकॉर्डर आता था पहले, वो गाना उस पे सिर्फ उनकी आवाज में रिकॉर्ड किया गया, उसी रिकॉर्डिंग पे शूट हुआ और फिर मुंबई आके गाने की रिकॉर्डिंग प्रॉपर हुई। तो ये अपने आप में बहुत, जिसको कहते हैं, पाथ ब्रेकिंग चीज है कि गाना वहां पर रिकॉर्ड कर लिया बिना किसी उसके, सिर्फ गाना रिकॉर्ड हुआ और यहां आने के बाद रिकॉर्डिंग हुई। और भगत सिंह जिस तरह के किरदार हैं, अजीमो शान किरदार, मतलब 23 साल की उम्र में न सिर्फ उन्होंने उस शहादत का साहस जुटाया बल्कि उनकी एक आइडियोलॉजी थी, उस आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले आज भी लोग हैं। और इस फिल्म की कहा जो लिखा गया है इस फिल्म को, उसमें भगत सिंह की पार्टी में उनके साथ रहे बटुकेश्वर दत्त इसके राइटिंग का हिस्सा बने थे इस फिल्म का। तो भगत सिंह के बारे में तो जितनी बात की जाए उतनी कम है। एक महान क्रांतिकारी, महान योद्धा जिसने देश के नाम हंसते हंसते जान कुर्बान कर दी, ऐसे शहीद को आज उनकी पुण्यतिथि पर मेरा सादर नमन है और आप सभी की तरफ से मैं उनको सलाम करता हूँ।